हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। और मैं बताऊँ, बड़ा मतलब अजीब सा हो गया था। क्या क्या हो जाता है मुझे अचानक से पता ही नहीं चलता है। तो अचानक ऐसा हो गया था कि मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया था। तो फिर मैं बताऊँगी आप लोगों को, आगे वीडियो में बने रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा गाइस, सभी का ध्यान रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का। कैसे कैसे हो जाता है अचानक से, मतलब बहुत ही अजीब हो जाता है। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली तबीयत काफ़ी दिन मतलब मंडे से ही ऐसा है कि तबीयत ख़राब चल रही है। तो मन कर रहा था कुछ चटपटा सा खाने का, तो मैंने कुछ स्पेशल बनाया है। आप भी इस तरह से बना कर देखिएगा, जो कि बहुत बहुत टेस्टी बना था। तो उसकी रेसिपी मैं आगे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एंड तबीयत ठीक नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं वाइटी पर, जिसपे मुझे बात करने का बड़ा मन कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं बात करूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या मैं, आप लोग सुनना चाहेंगे कि मैं क्या चाहती, क्या बोलती हूँ, मतलब मेरी सोच क्या है इस बारे में। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ों पर बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चुप नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप कहीं हैं, किस खासतौर से वर्किंग में हैं, तब तो ज़रूर ही बोलना चाहिए आप लोगों को। और हम लोग भी तो वर्किंग में हैं ना वाईटी पर, तो इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्लीज़ बताइएगा, आवाज़ से आप लोगों को तो लग ही रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं, आप आगे मिलते हैं वीडियो में और रेसिपी देख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है तवा, मतलब जिस पर मैं रोटी बनाती हूँ। और इसे ना मतलब तवा को, मतलब इस पर मैं रोटी बनाती हूँ तो वही तवा है। और उस पर गरम करके मैंने सूखा 2 चम्मच धनिया और 2 चम्मच जीरा, सूखा ही ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं, इसे भून रही हूँ। ये तवा मतलब बहुत, इस पर रोटियाँ बहुत कम बनती हैं। और ये मैं बना रही हूँ पानी पूरी, तो पानी पूरी का मसाला के लिए मैं ये भून रही हूँ। और उसके बाद फिर इसे जब वो भून जाता है तो उसे साइड में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और यहाँ पानी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो ये लिया था मैंने 1 बंच धनिया, 1 पंच पुदीना और थोड़ा सा अदरक और 4-5 हरी मिर्चें। और ये इमली भिगो कर मैंने रखा हुआ था कि क्योंकि मुझे ये पानी रेडी करना था, खट्टी मीठी सी पानी। और ये देखिए, मैंने हस्बैंड को भी काम में लगा दिया। एक्चुअली इतना लेट हो रहा था ना बनाने में, काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने बोला प्लीज़ पीस दीजिए ना इसको, पाउडर वगैरह कर दीजिए। और उसके बाद फिर जब वो धनिया पुदीना उन्होंने पीस दिया, तो उसके बाद छन्नी से उसे मैंने छान लिया ताकि थोड़ा भी मतलब रेशा वगैरह ना रहे पानी में। तो वो फिर इस तरह से छान कर, और ये देखिए थोड़ा पानी डाल कर, फिर इमली का पल्प निकाल के जो पानी मैंने रखा हुआ था वो भी इसी में मैं डाल दूँगी। तो इमली का पल्प निकाल कर, इमली को भी अच्छे से मैंने छान लिया था, वही पानी अब मैं डाल रही हूँ इसमें। तो ये देखिए, धनिया पुदीना के पानी में इमली का पानी मैंने डाल दिया, तो ये खट्टा सा भी हो गया। और उसके बाद फिर इसे अच्छे से छान छान कर मिला ले, निकाल ले, अच्छे से धनिया पुदीना का अर्क निकल जाए, उस तरह से छान छान कर अच्छे से निकाल लेना है। तो हाथ ना लगाए, मैं तो खाने की चीज़ों को हाथ बहुत कम लगाती हूँ, जहाँ ज़रूरी हो जाता है वहाँ हाथ लगाती हूँ, ऐसे मैं चम्मच वगैरह से ये काम कर लेती हूँ। और इसके बाद ना मैंने वो क्लिप मुझसे मिस हो गई इस पानी में, ये जो पानी मैंने रेडी हुआ ना अभी इमली और पुदीना का, इसमें मैंने डाली थी चीनी। तो 1 कप से भर के मैंने 1 कप चीनी डाली थी, और अभी अदरक और मिर्च वो मैंने पेस्ट करके इसमें डाला, तो 1 इंच अदरक था और 4-5 हरी मिर्च। और ये वही पाउडर जा रहा है जो धनिया और जीरे का पाउडर मैंने किया था ना, ये वही पाउडर जा रहा है। तो आप लोगों ने देखा ना कि 2 चम्मच के लगभग मैंने डाला, और 1 चम्मच लाल मिर्च भी मैंने डाल दी। तो जितना तीखा मीठा खट्टा ये सब आपने अपने अकॉर्डिंग, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये पानी इतनी टेस्टी पानी बनी थी ना, अब ये गया काला नमक 1 चम्मच भर के। और उसके बाद थोड़ा सा और मैंने डाला, उसके बाद सादा नमक जो रेगुलर हम लोग खाते हैं ना, सफ़ेद वाला नमक वो डालेंगे। तो ये देखिए, 1 चम्मच भर के मैंने सफ़ेद वाला नमक भी डाल दिया। उसके बाद इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से, और मिक्स करके इसे फ्रिज में रख दें आप। तो फ्रिज में रख देने से थोड़ा ठंडा ठंडा सा खट्टा मीठा सा पानी रेडी हो गया, तीखा खट्टा मीठा चटपटा, एक्चुअली बहुत टेस्टी बना था गोलगप्पा उस दिन, सच में आप लोग देखिएगा। अब ये ना मसाले की बारी आ गई। तो ये 3 आलू मैंने बॉयल किए थे और मटर मैंने बॉयल किए थे 1.5 कप के करीब।
तो उसे बॉईल करके ये मैंने एक चम्मच भर के सफ़ेद नमक डाला, आधा चम्मच काला नमक, और इस तरीके से आप मसाला बनाकर देखिएगा कितना टेस्टी बनेगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा था। और भर के एक चम्मच उस धनिए और जीरे का पाउडर मैंने डाला। तो ये देखिए, अब थोड़ी सी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें आगे हरी मिर्च कटी हुई जाएगी। तो ये 5-6 हरी मिर्च थी और ये बारीक कटा हुआ प्याज, ये प्याज भी मैंने इनसे ही कटवाया था, इन्होंने काटा। आप लोग देख कर बताइए कि क्या कैसा कट किया है इन्होंने, अच्छा कट किया है ना, बहुत अच्छे से कट कर देते हैं। जब मैं बोलती हूँ तब, ऑलवेज़ नहीं, जब मुझे कभी कभी ज़रूरत होती है तो मैं बोलती हूँ मेरी हेल्प कर देने के लिए, तो वो कर देते हैं। उसके बाद फिर इसमें ना थोड़ा सा वो जो इमली का पानी मैंने रखा हुआ था ना, इमली के पल्प का, उसमें से थोड़ा सा पानी मैंने रखा हुआ था, 2 चम्मच के करीब मैंने उस इमली का पानी इसमें डाला। तो ये भी खट्टा खट्टा सा मसाला, तीखा खट्टा, ये मसाला आप इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये मसाला जब आप गोलगप्पे के साथ खाएंगे ना, तो ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी लगता भी है। तो इसे आप खा लीजिए, सॉरी इसे अब मैश कर दे रही हूँ मैं, और मैश करके उसके बाद फिर देखिए अच्छे से मैश कर देना है, पूरा मसाला मिक्स हो जाए इसमें, नमक वगैरह पूरा अच्छे से मैश कर लेना है, ताकि जितने भी मसाले हमने डाले हैं ना वो अच्छे से मिल जाए। मटर, आलू, बहुत ज़्यादा तो बॉईल नहीं किया मैंने, पर बॉईल करा है, और वो अच्छे से मिल जाए, और अदरक हरी मिर्च जो भी था सब अच्छे से मिल जाए। तो ये ना थोड़ी सी क्लिप आगे पीछे हो गई है, जो उन्हें काम पर मैंने लगा दिया था ना आज। तो ये देखिए, ये वो प्याज कट कर रहे थे बैठ कर। तो हमारे घर में डाइनिंग टेबल पर जो मैं मसाला मैश कर रही थी ना, वो डाइनिंग टेबल पर बनाई थी। डाइनिंग टेबल का यूज़ बहुत कम होता है, बस नीचे बैठकर इस तरह से हम लोग सब्ज़ी काट लेना, खाना खा लेना, आराम से नीचे बैठकर हम लोग कर लेते हैं, बस वो एक शोपीस ही है समझिए। उसके बाद फिर यहाँ आ जाते हैं हम लोग गोलगप्पे। गोलगप्पे वो जो रेडीमेड आते हैं ना, वही मैंने मंगा लिया था, उसे ही मैंने तल लिया। तो ये इतने गोलगप्पे थे, ये पानी, वो मसाला ठंडा ठंडा सा और चटपटा सा, ये प्लेट हम लोगों को खाने के लिए। और फिर हम लोग तीनों बैठ जाते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम लोग खाने के लिए। तो वही मैं यहाँ हम लोग देखिए बैठ गए हैं। तो इस बार मैंने भाई बोला कि भाई इतनी मेहनत से बनाओ और पैसे भी नहीं मिलते, तो आगे मैंने पैसे भी लिए हैं। तो आप लोग देखिएगा, मेरे हस्बैंड को बोला आपको देना ही होगा इस बार, तो उन्होंने दिया। तो देखिए, मैंने बोला ना कि मैं हाथों का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ खाने पीने की चीज़ों में, मैं हाथ जल्दी नहीं लगाती, तो चम्मच से ही मसाला डालना, चम्मच से ही पानी डालना, तो ये सब मतलब मेरी आदत है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं उससे क्या होता है ना, ख़राब भी, ये देखिए मैंने पहले बोला कि पहले पैसे दीजिए तब गोलगप्पा मिलेगा। और मेरे लुक को ना बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इन दिनों मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। ये कब का बना हुआ, जिस दिन मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट करी थी ना गोलगप्पे की फ़ोटो, उस दिन का ये वीडियो है, और आज मैं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि आज मैं बोल पा रही हूँ। तो मेरे लुक को एकदम अवॉइड कीजिएगा, मैं सच में बोल नहीं पा रही थी बिल्कुल नहीं, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद वीकनेस इतनी ज़्यादा कि सांस फूलने लग रही थी। और अभी देखिए, मैं मतलब बेटे को खिला रही हूँ, इन्हें खिला रही हूँ, इन दोनों को थोड़ा खिलाने के बाद फिर मैं शुरू करती हूँ। मुझसे एक्चुअली रहा नहीं जा रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं बनाऊँ खाऊँ, और तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी ना, तो मुझे लग रहा था कि कब कुछ चटपटा सा बना के खाऊँ। और पीछे जो आप लोग चेयर पर रखे हुए देख रहे हैं ना, वो सब जो ब्लैक ब्लैक चेयर है, वो डाइनिंग टेबल का ही चेयर है। और मैंने मतलब कुछ कपड़े अपने तह लगाए थे, अलमीरा के ही कपड़े, तो वही मैंने ऊपर रखा हुआ था कि स्टोरेज बैग में, रेडीमेड स्टोरेज बैग मैंने मंगा लिया था, मतलब काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ, उसी में मैं रखती हूँ। तो फिर मैंने बोला कि पहले खा लेती हूँ बनाकर, उसके बाद फिर ये कर देंगे हम लोग, रख देंगे इसे अलमीरे में। तो वही यही है, और पार्टी का लुफ्त उठाइए, गोलगप्पा पार्टी काफ़ी अच्छा बना था। और कभी एक दिन कंपटीशन भी किया जाएगा, तो मेरे लुक को अवॉइड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ तो मुझे पता है, पर गोलगप्पा बहुत टेस्टी बना था। और मैं बोल रही हूँ कि भैया, मैंने बोला कि आप मुँह खोलो, मैं भी आप लोगों को खिलाऊँ, तो बोलते कि नहीं, तो मैंने बोला नहीं नहीं खा लो खा लो, सभी यूट्यूबर्स ऐसे करती है, मैं भी खिलाती हूँ। तो मेरा बेटा बोलता है व्यूज़ चाहिए व्यूज़ चाहिए,
बस मैंने बोला कि नहीं खिलाओ तो भी आफत, ना खिलाओ तो भी आफत, बोलता कैसी मम्मा हो अब बड़े हो गए तो क्या मतलब खिला रहा नहीं है, ऐसे बोलता है वो। तो देखिए मज़े से खा रहा है, हस्बैंड तो थोड़ा खा कर फिर उन्होंने मना कर दिया, मैंने भी मना कर दिया और वो मज़े से खाया। बोलता मम्मा चाट भी बना देना, मैं चाट भी खाऊँगा। मैंने बोला हाँ भाई तो सब कुछ बना दूँगी, खा लेना। इन दिनों सब कुछ बंद है ना, लॉकडाउन में कुछ दिश मिल नहीं रहा है कुछ भी, तो घर पर ही बनाओ खाओ साफ़ सुथरा अच्छे से और खुश रहो। बनाना खाना भी एक खुशी ही है, जितने मतलब अच्छे से रहता है ना, थोड़ा सा अलग अलग सा कुछ कुछ बनाते रहिए, खाते रहिए तो मन भी फ्रेश रहता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सबको मिल बांट कर हम लोग बनाते हैं खाते हैं। और मतलब अभी तो अचानक से ये मैंने प्लान किया था, नहीं तो वरना मैं किसी न किसी को जरूर बुला ही लेती, लोकल फैमिली है मेरी पूरी तो ज़रूरी बना लेती, बुला लेती, तो हम लोग खाते बनाते खाते हैं सबने। आप लोगों ने देखा कई वीडियोस ऐसे हैं मेरे और अक्सर ये मैंने खाया ये देखिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं पानी बना रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि मैं पी लूँ थोड़ा सा, और बनाने के बाद भी मैं जब ठंडा ठंडा पानी रह गया था तो फिर बनाने के बाद भी मैं थोड़ा सा, बाद में जब मैंने गोलगप्पा खा लिया था हम लोगों ने तो ठंडा ठंडा पानी मैंने थोड़ा सा कप में लेकर पिया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली जब तबीयत ठीक ना हो ना तब ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, पता नहीं क्यों उस टाइम पे अच्छी लगती हैं, नॉर्मली भी अच्छी लगती हैं पर अगर तबीयत ठीक ना हो तो ये सारी चीज़ें चटपटी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। लगता है कि कितना भी चटपटा चीज़ खा लो बड़ा अच्छा लगता है खाने में, यही चीज़ें मतलब लगता है कि सब कुछ मतलब स्वास्थ्य प्रदान कर रही हैं तो खुशी प्रदान कर रही हैं, मतलब मन अच्छा सा हो जाता है, चटपटा सा मन हो जाता है तो अच्छा लगता है। और ढेर सारी बातें हम लोग कर रहे थे और वो मुझे चिढ़ा रहा था, मम्मा जल्दी दो जल्दी जो जल्दी दो जल्दी दो, इस तरह से करके मुझे चिढ़ा रहा था। तो ये देखिए बड़ा मतलब सिर्फ शरीर से हो गया है और उतना नहीं, अभी बस पढ़ ही रहा है और अभी हम लोग देख रहे हैं इसकी आगे की अच्छी पढ़ाई के लिए। तो आप सभी आशीर्वाद दीजिएगा मेरे बेटे को कि अच्छे से पढ़े, अच्छा सा जो उसकी चाहत है वो बने। तो अब देखिए कितना, मुझे लग रहा है शायद वीडियो आज की जो लंबी हो गई, पर 10-11 मिनट की वीडियो तो चलती ही है ना, और मैंने थोड़ा भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करा क्योंकि नॉर्मल वीडियो मुझे अच्छा लगता है देखना सुनना, बातें सुनना तो अच्छा लग रहा था मुझे। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, और ये वीडियो देखकर आप लोग ज़रूर इस तरह से गोलगप्पा बनाइएगा, गोलगप्पा का मसाला बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये तरीका कैसा लगा, क्योंकि सभी तो अपने अपने तरीके से बनाते हैं ना, तो नया तरीका भी हम लोग ट्राई करते हैं, तो मेरा ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय।